फ्लिपकार्ट सबसे घटिया सबसे फालतू ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, करते हैं बाहर। और ये रहा हमारा साइकिल, तो देखिएगा पैकिंग काफी अच्छा पैकिंग है। मुझे लग रहा है मेरा पास का बात नहीं है। तो साइकिल गाइस पूरा फुल सेफ्टी में आया था, डिस ब्लैक वाला साइकिल है, जैसे दिखाया था वैसे ही आया है। फ्लिपकार्ट में देखे थे तो वहाँ पर व्हाइट बोतल था, आधा घंटा से साइकिल जोड़ रहे, सारा घर पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत बात है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी ब्लॉग। तो गाइस मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम लगडी चैनल। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूं। जैसे गाइस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था जो साइकिल मंगाया था गाइस, वो साइकिल का रिव्यू पूरा नहीं किया था, तो आज मैं साइकिल जो है वो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, तो इसके अंदर क्या क्या मिलता नहीं मिलता, जो फ्लिपकार्ट से कैसे साइकिल आता नहीं आता, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इसका जो प्राइस कितने लिया है नहीं लिया है वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो में मैं कैमरा पकड़ने के लिए कैमरा मैन स्पेशली बुलाया हूँ, तो वो कौन है आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा कैमरा मैन जो कि मेरा भांजा है, तो ये आज मेरा कैमरा मैन बनने वाला है, जो क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग करूँगा उसके लिए कैमरा पकड़ने पड़ेगा। जो मेरा जो भांजा है गाइस वो आज मेरा कैमरा मैन बनने वाला है, कैमरा बनेगा ना। थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में बेल आइकन उसे ऑल करना। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लेना, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस ये रहा हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमारा साइकिल है, और किस कंडीशन में है तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करने के लिए चाहिए सीजर, तो ये रहा सीजर। तो चलिए गाइस इसको काटते हैं। तो हमारा बॉक्स है, मैंने जो बस्ता था गाइस वो कट चुका है, अब इसके अंदर बॉक्स है, तो बॉक्स निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा गाइस ये जो बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो इस बॉक्स के ऊपर खोल लेते पहले। ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इतना भारी है कि क्या पता है गाइस मतलब खुल रहा ही नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, खुलना तो पड़ेगा रे बाबा। तो फाइनली जो बस्ता था वो खुल चुका है, तो बस्ता उधर रहते हैं। तो गाइस मतलब बॉक्स तो यहाँ तक ओपन हो गया है, मैंने जैसे चट था चट बस्ता था बस्ता, तो वो खुल चुका है। और ये रहा हमारा बॉक्स, अब यहाँ का बात से जो है अमन है थोड़ा सा उसको देंगे रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये बॉक्स को ओपन अमन करेगा, और क्यों करेगा ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। अमन खोलो, हाँ खोलो। क्या है क्या हुआ? तो ये रहा बॉक्स के अंदर। अमन हैप्पी? कितना हैप्पी? कितना? तो अमन है गाइस मतलब बहुत खुश है, क्योंकि एक्चुअली साइकिल उसी का है, ठीक है। बहुत खुश अमन, बहुत खुश। बोल ले, बोल बोल ले। गाइस आप लोग नहीं समझे कि अमन क्या बोल रहा था, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अमन बोल रहा था कि वो मतलब ये ऑर्डर हम लोग किए थे एक हफ्ता पहले, ये ऑर्डर किए थे तो ठीक है प्रोडक्ट को साइकिल का। तो अमन बोल रहा था ना कि फोन बोल रहा था, तो मतलब फोन कर रहा था बट पार्सल आ रहा था नहीं। आप लोग पिछले वीडियो आप लोग जरूर देखना गाइस, तो आपको आईपैड मिल जाएगा, क्योंकि उसी वीडियो में सब कुछ मैंने इसकी जानकारी है कि कब आया नहीं आया कैसे आया नहीं आया, वो सारी जानकारी आप लोग पिछले वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग जरूर देखना पिछले वीडियो। इसलिए अमन बोल रहा था कि फ़ोन कर करके परेशान है बट आया नहीं, इसलिए बता रहा था कि फ़ोन किया तो नहीं आया है कि नहीं अमन। तो अमन का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, अमन बहुत खुश है, और ये साइकिल अमन का ही है, ठीक है। मम्मी ऑर्डर कर दी थी। बॉक्स तो ओपन हो गया है, अब इसके अंदर से एक जो सामान है वो निकालते हैं, ठीक है, और निकाल के आप लोग बताते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे जो आँख में दिखा है वो है, कहाँ गया, ये इसका वाटर बोतल, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है गाइस। मतलब फ्लिपकार्ट में देखे थे तो वहाँ पर वाइट बोतल था बट ये काफ़ी प्रिंट बोतल है, देखिए ये भी मस्त मस्त। अमन अच्छा है तो अमन को अच्छा लगा। तो पहले था वाटर बोतल,
आप देखते क्या मिलते हैं। जो छोटा सामान है हमने पहले से निकालेंगे, उसके बाद फाइल की जो बॉडी है उसको निकालेंगे। तो छोटा सामान और कुछ है, तो ये रहा, ये है मॉड गार्ड, ये आगे का पीछे का मॉड गार्ड है, दिखाइए, ये आगे पीछे का मॉड गार्ड है, ठीक है, इसी में रखते हैं। मॉड गार्ड अपने तो निकल गया, और क्या है कुछ दिख रहा है, एक बैग है, ये बैग है, ये बैग में पता नहीं क्या है, बैग बाद में ओपन करेंगे, बैग भी यहाँ रखते हैं। और अंदर में जैसे कुछ है नहीं, तो बच गया हमारा साइकिल, अब निकालेंगे हम लोग साइकिल को, चलिए साइकिल निकालते हैं, साइकिल काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। तो साइकिल ये रहा हमारा साइकिल, तो साइकिल को अभी फिलहाल यहाँ पर रखते हैं। तो ये रहा हमारा साइकिल, और इस बॉक्स को करते हैं बाहर, पता हरामी हो, तो बॉक्स से वो हमारा बाहर चल गया गाइस, गाइस लात नहीं मारना चाहिए था पर बॉक्स बाहर चल गया। और ये रहा हमारा साइकिल, तो साइकिल को पहले यहाँ पे रखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि फ्लिपकार्ट से जो साइकिल अगर आप ऑर्डर करते हैं तो किस टाइप का आता है, देखिए आप लोग, ये किस टाइप का आता है फ्लिपकार्ट साइकिल। तो आप लोग गाइस देख चुके हैं कि फ्लिपकार्ट से साइकिल किस टाइप का आता है, तो साइकिल कुछ इस टाइप का है हमारा, ठीक है। और ये साइकिल क्या साइकिल है मैं आप लोगों को इसको असेंबल करता हूँ, जितना होगा उतना मैं असेंबल कर दूंगा, और नहीं होगा तो दुकान पे लेके जाएंगे, ठीक है। पहले इसको जोड़ते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है साइकिल, और साइकिल पे यहाँ पे कुछ टाइप है उसे काटना पड़ेगा। और ये जो सामान है इस आपको पता है मॉड गार्ड है, और ये तो स्लीपर फ्री मिला था उसके साथ। इसके अंदर क्या है मैं साइकिल का इसलिए हल्का इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा बहुत जितना होगा, उसके बाद इसको दिखाऊंगा उसके आगे। तो देखिएगा पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकिंग है, मतलब पूरा केयर में आया है। तो ये जिप को काटते हैं यहाँ से, और ये हैंडल पूरा फुल सेफ्टी के साथ आता है, फ्लिपकार्ट सामान जो आता है हमारा सब जिप काटना हो चुका है। तो साइकिल गैस पूरा फुल सेफ्टी में आया था, और जैसा हम एक्सपेक्ट किए थे कि साइकिल मतलब इस टाइप का आया होगा उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है। और ये साइकिल जो है वो गैस डिस्क ब्रेक वाला साइकिल है, इसका आगे चक्कर में और पीछे का दोनों में डिस्क है। तो देखते हैं अगर हम जोड़ पाते तो ठीक है, नहीं तो दुकान ले जाना पड़ेगा, दुकान में जाकर जुड़वा पड़ेगा, फिर हम चूज़ करते हैं जोड़ने का। तो साइकिल जो है गाइस मतलब पूरा यहाँ से पूरा सब लूज है, ये सब थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और साइकिल जैसे सोचे थे वैसे ही आया है, और बट गाइस इसे जॉइंट करना मतलब मेरा पास का बात नहीं है, इसे दुकान पर ही लेके जाना पड़ेगा। और आप बात मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसा सामान होगा जो शायद हम जॉइंट कर पाए या दुकान तक लेके जा पाए, तो ठीक है इसे देखते हैं। तो ये है पैडल, दो पैडल, अच्छा पैडल मिल गया। ओ भाई साहब, तो ये है सीट, और ये कुछ टूल्स, और ये पाइप, ये पाइप है उसके अंदर का पाइप है, पता नहीं कहाँ गया ये पाइप, कहाँ लगेगा समझ नहीं आ रहा। ओहो हो ये यहाँ का पाइप है, ठीक है, ये टूल का पाइप है, मतलब जहाँ पे सीट है सीट का पाइप, सीट का पाइप, ये सीट, ये दो पैडल और कुछ इसी भी, और कुछ नहीं बैग में, और ये बैग खाली, और यहाँ पे दो मोड गार्ड और एक सीपर पानी बोतल, जैसे दिखाया था वैसे ही आया है। और ये रहा साइकिल, साइकिल गाइस मतलब साइकिल मस्त साइकिल है, साइकिल हैवी लगा देख के तो मेरा ही मन खुश हो गया, और ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो साइकिल इसी का है। अब साइकिल को ले जाए लग रहा ले जाना पड़ेगा असेंबल करने के लिए दुकान, क्योंकि मेरे बस का बात नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है असेंबल, बस फिर कोशिश करूँगा देखते हैं होता है क्या, जितना भी कर मैंने दुकान तक ले जाने तक कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए फिर साइकिल पर असेंबल कर लेते हैं ठीक से, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later, आधा घंटे से साइकिल जोड़ रहे हैं। तो सारा कुछ सब ठीक कर लिए हैं, बस जो पैडल है गाइस वो फुट पैडल, ये पैडल इसे लगा नहीं सका, इसे मैंने जोड़ नहीं सका, तो इसे हमें ले जाना पड़ेगा दुकान। और टायर में हवा भी नहीं है तो हवा ही भरना पड़ेगा। तो साइकिल हमारे पास रेडी है, मस्त लग रहा है, गजब लग रहा है गाइस,
साइकिल देखिए आप लोग एक बार। मुझसे हुआ नहीं है और ये सक जाएगा। ए नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो हमारा साइकिल कुछ ऐसा नहीं होगा, दुकान जाना पड़ेगा। हाँ दुकान जाएंगे। और साइकिल हमारा कुछ ऐसे है, देख लीजिए। और साइकिल डबल डी से, सामने भी डी से और पीछे भी डी, देख लीजिए। गियर नहीं है, डिस्क ब्रेक वाला साइकिल है। और सॉकर है, देखिए ये सॉकर। अभी जाएंगे दुकान पे लेके, क्योंकि हवा भी भराना है और प्लस जो उसका पैडल था, फुट पैडल, उसको भी लगाना है, लगवाना है। तो जाएंगे दुकान और ये सब सारा सामान, कुछ सामान से है तो उसको लेके आना पड़ेगा। अगर कुछ सामान अगर नहीं सेटिंग हुआ होगा आज, मतलब इसका जो ब्रेक था, ब्रेक में थोड़ी दिक्कत आ गया था, क्योंकि ब्रेक कहाँ से कैसे का हो गया था ना, जी तार देख रहे वायर ये पूरा उलझ गया था, ठीक है। तो इसको ठीक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत टाइम लग गया इसके ठीक करने में, जोड़ने में। फिर भी थोड़ा बहुत जोड़ चुके हैं, पूरा साइकिल ठीक ठाक ही जोड़ दिए हैं। अब इसमें दो चीज़ बाकी है लगाना, वो फुट पैडल दोनों और हवा भरना है। चलिए इसको ले जाते हैं दुकान। और साइकिल का जो मॉडगार्ड है गाइस, मॉडगार्ड यहाँ पे, मॉडगार्ड लेकर नहीं जा रहे हैं, मॉडगार्ड हम वहाँ से दुकान से जब आएंगे पैडल लगवा के और हवा भरवा के, तो अब मॉडगार्ड लगाएंगे घर में। तो ये रहा साइकिल, सर्विस गाइस बहुत ज़्यादा मोटा है, मस्त। तो गाइस ये रहा हमारा साइकिल, अभी से ले जा रहे दुकान पर सर्विस के लिए। देखते हैं कितना क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है कुछ। उसको पैडल जो है गाइस मतलब लगाना भूल गया, तो पैडल लगवा लेंगे और उसको जो हवा फील करा लेंगे, हवा भरा लेंगे। तो हमें गाइस ज़्यादा तो जाना नहीं पड़ेगा, घर के सामने ही दुकान था, तो यहीं से करवा लेंगे। अगर फल जाएंगे तो देखिए दूध ज़्यादा है, तो यहीं से करवा लेंगे। और उसमें थोड़ा हवा भरा लेना पड़ेगा और उसका जो ब्रेक है वो ठीक करवा लेंगे। ब्रेक भी ठीक ही लग रहा है, ब्रेक थोड़ा फॉल्स कर रहा है। हाँ दिया है, तो हम ट्राई कर रहे थे पर हुआ नहीं सके करने, लगा नहीं सके हम। तो साइकिल का फाइनली गाइस हम लोग फुट पैडल लग रहे हैं, ट्राई तो किया था बट हुआ नहीं, इसलिए भैया के पास लेके आया। और देखिए एक बार में लग गया, इसका काम उसी को आता है कि नहीं। तो देखिए एक बार में लग गया है, क्या बोल रहे तुम? गाइस देख रहे आप लोग, मतलब मेरा भगना जो गाइस, मतलब मेरा पूरा फुल मजाक उड़ा रहा है, मुझे बोल रहा है कि मतलब मैं घर में लगा रहा था पर मेरे से हुआ नहीं, अब उससे हो गया तो हाथ रहा है मेरे को, मिस्त्री वो है वो, ठीक है। तो पूरा फुल इंसल्ट। तो पैडल हम लोग का लग चुका है और उसका जो ब्रेक है थोड़ा ब्रेक भी करवा लेंगे, और इसमें हवा भी नहीं है तो हवा भी भरवा लेंगे। तो साइकिल गैस ऑनलाइन जब आता है तो उसका जो नट फट वगैरह होता है ना, वो गैस मतलब ढीला ही रहता है। तो आप लोग कहीं पे जाके या दुकान में टाइट करवा लीजिए, वो ज़रूरी होता है। तो देखिए भैया का बोलना नहीं पड़ा पर भैया खुद से टाइट कर दिए हैं। तो साइकिल जो है गैस पूरा सेट हो चुका है, ठीक है। और भैया बोल रहे थे कि इसका जो मतलब साइकिल पर फुल सर्विस कराना पड़ेगा एक बार। हो गया भाई कंप्लीट, थैंक यू, अच्छा लगा। तो भैया पूरा साइकिल पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी भी फिर भी कुछ ना कुछ मिस है, तो अभी ऐसे चलाएगा और बाद में लेकर आएगा सर्विस कराने के लिए। तो चलिए फटाफट पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो फाइनली गाइस साइकिल आप लोग देखे, साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सब कुछ सारा सामान मैं एक्चुअली घर में मैं असेंबल कर दिया था, वहाँ पे बस हवा भराया, मैंने हवा फिल किया। और जो पैडल था, पैडल हमसे नहीं लग रहा था तो पैडल लगवा लिए। और कुछ मतलब भैया बोले ब्रेक पे सब ढीला बोला था, तो डिस्क ब्रेक है ना तो थोड़ा केयर करना पड़ेगा, तो ब्रेक पे खुद से भैया टाइट कर दिए। तो भैया काफ़ी साइकिल बनाते हैं, ठीक है। तो साइकिल बाहर में रखा हुआ है वहाँ पे, साइकिल पूरा बन गया, रेडी हो गया है। और रहा बात साइकिल का प्राइस कितना लिया गाइस, अगर आपको अगर ये साइकिल बाय करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके चेकअप कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। इसका मॉडगार्ड है, मॉडगार्ड लगा देंगे। रहा गाइस आप लोग बेझिझक होकर फ्लिपकार्ट से साइकिल ऑर्डर कर, अगर आपको मन कर रहा है कि साइकिल ऑर्डर करना, कैसे आएगा नहीं आएगा ये सब मत सोचिए, फ्लिपकार्ट से
सामान अच्छा ही आता है, हर बार फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता हूँ सामान। गाइस अगर मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि फ्लिपकार्ट सबसे घटिया सबसे फालतू ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तो ऐसे मैं कभी विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरा भरोसा करता हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर, और आप लोग भी करना चाहिए। गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अनबॉक्सिंग वाला, अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला वीडियो? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से कमेंट करना। हाँ गाइस वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना जिन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत बात है, तो उन लोगों को जरूर शेयर करना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा और आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन ऑल करना। चलिए गाइस मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे पूरा थक गया, घर से पूरा गंदा हो गया, तो घर साफ करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस अपना ख्याल रखना।